सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स आज हम जानेंगे, साथ ही साथ टेंटेटिव स्केड्यूल क्या हो सकता है, एडमिशन प्रोसेस और कोर्सेज ऑफर, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, किन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 12th कौन सा मोस्ट सुटेबल कोर्स है, और दिस इज़ द फाइनेस्ट आई कैन से कि यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, जिसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे कोर्सेज कराने को मिल रहे हैं और अप टू डेट कोर्सेज मिल रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने में अभी कॉलेजेस को इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ को हर साल चेंजेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग से ही चेंजेस लेके आई है, जैसे कि स्किल बेस्ड कोर्सेज। और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन भी हो रही है वहाँ पे आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑप्शंस ही नहीं पता होते क्लास 12th के बाद, उनका बस एक ही रहता है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूँ, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास आज की डेट में, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी स्किल्स होने चाहिए, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपको एक बेटर जॉब मिल सके, प्लेसमेंट्स मिल सके, तो इन चीज़ों को लेके बेस्ड है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। सो आप सभी लाइव आ जाएँ, और मैं अभी इस वीडियो को लाइव इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे थ्रू दिस लाइव सेशन की इट्स एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी 2021 में इनका पहला सेशन स्टार्ट हुआ है, और फर्स्ट सेशन के बाद अब ये जो सेशन 2022 आएगा, इट्स अ सेकेंड सेशन जिसके अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना है। और यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को देखने हैं। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से कैंपस हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, फाइन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं DSU के कैंपसेस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं आप लोगों को यहाँ पे जो करने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यभट्टा DSU अशोक विहार कैंपस इनका, और DSU द्वारका कैंपस जिसको इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है मेन कैंपस है, ये मेन कैंपस है DSU का। और अभी देखो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है एडमिशन प्रोसेस 2022 को लेके, लेकिन स्टिल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं DSU को लेके, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होता है आपको, ठीक है। तो उसके बाद मीराबाई DSU महारानी बाग कैंपस, तो ये सारे जो कॉलेजेस आप देख रहे हैं ये सभी DSU के अंडर में आते हैं। DSU क्या है, जैसे IP यूनिवर्सिटी है ना भाई हमारा, उनके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, वैसे इनके अंडर में ये सारे कैंपसेस यहाँ पे आते हैं। और भाई परमानंद DSU शकरपुर कैंपस आप देख सकते हैं, कैंपस 2 के नाम से है। सो DSU और जितने भी कॉलेजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी गवर्नमेंट एफिलेटेड है। आप IP यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आप मोर ओवर सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो हैं सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर कोर्सेज कराए जाते हैं, एक डिप्लोमा होता है फुल टाइम, एक डिप्लोमा लेटरल एंट्री, उसके बाद आपका UG कोर्सेज। और UG कोर्सेज के अंदर भी मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा, और डिप्लोमा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा कोर्स एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और स्किलफुल कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को है ना इतना इधर उधर की थ्योरीज वगैरह नहीं पढ़ाई जाती, स्ट्रेट टू योर प्रोफाइल आपको बताया जाता है कि भाई आपको इस जगह पे ये जाके काम करना होगा, तो ये वाला काम आप सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा के अंदर आपके पास अप्लाई आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, तो ये 15 डिप्लोमा के कोर्सेज हैं आप लोगों के पास जो कि फुल टाइम अवेलेबल है, ठीक है। फुल टाइम क्या होता है, जो कि आपको रेगुलरली जाके पढ़ने होते हैं, ये डिस्टेंस लर्निंग मोड नहीं होते। डिप्लोमा कोर्सेज पार्ट टाइम आपके पास ये रहे जिसमें आप पार्शली जाके अपने क्लासेस अटेंड करते हैं, ये चार कोर्सेज पार्शल में आते हैं। डिप्लोमा कोर्स लेटरल एंट्री जिसमें आप लेटरल एंट्री भी अपनी करवा सकते हैं, वो 13 कोर्सेज के यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में सर आप क्यों बता रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले और बता दूँ, भाई डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं ना आप लोगों के, बहुत जल्दी आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं। हर एक स्टूडेंट 90% मार्क्स नहीं लेके आता, हर एक स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं होती जो 3 साल पढ़ाई कर सके, 5 साल पढ़ाई कर सके, उनके पास बहुत कम टाइम होता है और उस कम टाइम के अंदर उनको बहुत सारे रिजल्ट्स अपने प्रोड्यूस करके दिखाने होते हैं अपनी फैमिली को। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ इस टाइप के ही कोर्सेज हैं। अगर आप कहीं से डिस्टेंस बेसिस पे अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये कोर्सेज भी आप साथ के साथ कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब हम आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, जो कि मेन पार्ट है, क्योंकि हमारे पास जितना भी क्राउड है सारा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वाला है, ठीक है।
सो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर आपके पास बीए एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी, बीए डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, बीए इन स्पेनिश। अब बीए अगर आपको करनी है डीएसयू से तो आपके पास ये तीन जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं? बीए इन एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, दूसरा डिजिटल मीडिया डिज़ाइन। और मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपका टेक्निकल स्किल आप अपने अंदर रखना चाहते हैं और बहुत कम टाइम में ग्रो करना चाहते हैं तो मीडिया एंड डिज़ाइन इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और ये आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्च कर लो, आप जामिया में सर्च कर लो, आप आईपी यूनिवर्सिटी में सर्च कर लो, ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो मेरे जहाँ तक है आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप बीसीए करने का सोच रहे हो या फिर टेक्निकल कोर्स में जंप करना चाह रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए होना चाहिए। इसके बाद अगर आप लैंग्वेज में जाना चाहते हो तो बी एन स्पेनिश का आपके पास ऑप्शन है। फोर्थ, वी विल डिस्कस अबाउट द बीबीए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। अब ये एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? जो आपका कोर्स होगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसके ऊपर ही ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के फोकस्ड रहते हैं। बीसीए भी है इसके अंदर, मैं अभी आप डिस्कस करने वाला हूँ आशीष, ठीक है। अभी आप ये लोग वीडियो जो है कम, अभी हमको लगेगा कि यार इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन अपकमिंग टाइम ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कौन से कोर्सेज के अंदर आपको अप्लाई करना है और कहाँ पे आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी द बेस्ट ऑप्शन टू अप्लाई इन दिस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे सभी कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी आपको बहुत ही नॉमिनल है, जिस हिसाब से इनका कोर्स करिकुलम है उस हिसाब से आपको बहुत कम फीस के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। बीबीए फैसिलिटीज़ इन हाइजीन मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट। अब ये तीन स्पेशलाइजेशन है जो आपको यहाँ पे बीबीए के अंदर करने को मिल रही है। पहली कौन सी हो गई? फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। सेकंड इज फैसिलिटी एंड हाइजीन मैनेजमेंट एंड थर्ड इज वन योर रिटेल मैनेजमेंट। अब मैं इन तीनों स्पेशलाइजेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, रिटेल मैनेजमेंट पर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था, हाइजीन मैनेजमेंट आई विल मेक इट सून। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपको बीकॉम करना है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, आप बीकॉम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स आपके पास कंपलसरी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और बीएससी डेटा एनालिसिस, ये एनालिटिक्स ये आप कर सकते हैं। बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स दिस इज ऑल्सो एन गुड ऑप्शन अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो देखो टेक्निकल फील्ड में आज की डेट में हम क्या अपने आपको देखते हैं कि हम सीधा सीधा या तो बीटेक कर लें या फिर बीसीए कर लें, लेकिन देर आर मोर वेज टू गेट इन टेक्निकल फील्ड, दैट मीन्स डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ये बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास आने वाले टाइम के अंदर। डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्रिएटिव माइंड है, आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ उस फील्ड के अंदर, देन यू शुड ऑप्ट फॉर बीए डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन। तो आठ कोर्सेज हमने अभी कवर कर लिए हैं। नाइन्थ, वी विल मूव ऑन दिस वन, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है। टेंथ है बीएमएस इन ई कॉमर्स, अगेन इट्स अ बीबीए स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन है एक तरीके से। कौन सी? ई कॉमर्स ऑपरेशंस। अगर जो स्टूडेंट है अपना लॉजिस्टिक्स में ध्यान रखता है, थोड़ा सा चेन मैनेजमेंट में जाना चाहता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो ये उसके लिए ये वाला जो कोर्स है बीएमएस इन ई कॉमर्स ऑपरेशन इज अ सुटेबल ऑप्शन। इसके बाद आपके पास है बीएमएस लैंड ट्रांसपोर्टेशन, इट्स सिमिलर टू वही जो मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लेकिन इसमें ई कॉमर्स ऑपरेशंस के अंदर जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेसिंग जो आ जाती है कंपनीज के, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके ऑपरेशंस वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगेन आपके पास एक ऑप्शन है बीसीए का, बीसीए आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपके पास मैथमेटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है नहीं है। मैं आपके साथ अभी क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लूँगा, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बीटेक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये स्पेशलाइजेशन आपको बीटेक में करने को मिल रही है, टूल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आपके पास मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है एमसीए करने का, और एमटेक टूल इंजीनियरिंग का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है, फाइन। तो ये कोर्सेज कुछ हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ इट्स बेस्ड ऑन 2021 ब्रोशर, ठीक है, उसके हिसाब से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये एक डिस्क्लेमर है जो आप अच्छे से सुन लें इस चीज़ को, कि ये मैं जो आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इट्स बेस्ड ऑन 2021। इस साल हो सकता है कि कुछ कोर्सेज का एड ऑन हो जाए,
और नहीं भी हो सकता, इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी। हर साल कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं, मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ 2021 के हिसाब से कर रहा हूँ, कोर्सेज ऐड भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कैन बी इंक्रीज, प्रोसेस ऑफ एडमिशन कैन बी चेंज, बट ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे करने को मिलेगी। फाइन, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है कोर्सेज के बारे में। तो भाई येस लिख दो चैट सेक्शन के अंदर। एज आई कैन सी बहुत सारे यहाँ पे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई पी यू से रिफंड कब तक आएगा भाई? आ जाएगा। आई एम ऑल्सो इन डी एस यू, रूल इज कूल, इज द एंट्रेंस डी एस यू फॉर पी पी। भाई अभी तक कोई एंट्रेंस नहीं है, मेरिट बेस एडमिशन्स चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरिट बेस पिछले साल 2021 में जो है यहाँ पे मेरिट बेस हुए हैं एडमिशन, लेकिन मेरी ऐसी ओपिनियन है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होने चाहिए फॉर ऑल यू जी कोर्सेज, क्योंकि भाई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो एक बेटर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है उसके ई सी ए की जगह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ना देखते हुए उसके अगर हम एप्टीट्यूड के ऊपर वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा ऐसा ओपिनियन है। बाकी आप लोग भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बाद में ज़रूर देखना, लिखना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब हम डिप्लोमा कोर्सेज की सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैंपस का नाम लिखा हुआ है इसरो के अंदर, कॉलम के अंदर सॉरी, और इसरो के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोर्स का नेम लिखा हुआ है। तो आर्किटेक्चर के लिए अशोक विहार कैंपस में यहाँ पे सीट्स है 60, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट्स है रोहिणी कैंपस के अंदर। तो इस हिसाब से आप इनकी सीट्स वगैरह देख लेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इनका वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात कर ली है हमने, अब हम चलते हैं सीधा यूजी कोर्सेज की तरफ। तो यूजी कोर्सेज के अंदर आपके पास बीसीए के लिए 120 सीट्स हैं शकरपुर कैंपस के अंदर, और 60 सीट्स है द्वारका कैंपस के अंदर जो कि इनका है आईआईटी इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मेन कैंपस है अब डीएसयू का। तो यहाँ पे आपके पास 60 सीट्स अवेलेबल है, तो टोटल सीट्स बीसीए में आपके पास 180 हो गई। बीकॉम प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर 120 सीट्स है पूसा कैंपस के अंदर, बीएससी डेटा एनालिटिक्स के लिए 120 सीट्स हैं इन योर शकरपुर कैंपस। तो इस हिसाब से आपको चेक कर लेना है, ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि किस कैंपस के अंदर कितनी सीट्स अप्लाई आपके पास करने के लिए ऑप्शन है। बीबीएन रिटेल मैनेजमेंट, बीबीएन रिटेल मैनेजमेंट के अंदर भी आपके पास 60 सीट्स अवेलेबल है, बीए स्पेनिश के अंदर 30 सीट्स हैं, और बीटेक के अंदर आपके पास यहाँ पे 60 सीट्स हैं। अब हो सकता है देखो इस साल चेंजेस आ जाए, नंबर ऑफ सीट्स कैन बी इंक्रीज, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कैन बी इंक्रीज। मैं आप सभी के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट यही रहने वाला है सब कुछ, कोर्सेज तो हैं यही रहते हैं, लेकिन कुछ एडवांस हो सकते हैं, वो जैसे आएंगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लूँगा। चलिए मूव करते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो एडमिशन प्रोसेस भी जो है थोड़ा अलग अलग है दोनों के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अलग है और यूजी कोर्सेज के लिए अलग है। सो यहां पे आप लोगों का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, किन के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बाकी जो यूजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन हुआ था पिछले साल वो मेरिट बेस्ड हुआ था, इस साल हो सकता है उसके लिए भी एंट्रेंस करा दे। एक प्रोक्टर्ड एग्जाम आपका हुआ था डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, प्रोक्टर्ड क्या होता है कि घर पे बैठे बैठे आप लोगों का एग्जाम होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास कंप्यूटर फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप इनके सेंटर पे भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। दीप्ता मुखर्जी सिंह की, सर रैंकिंग कैसे होता है प्लीज़ बोलिए। हाँ मैं रैंकिंग के ऊपर भी आऊँगा, ठीक है, मेरिट बेस्ड हुआ तो रैंकिंग कैसे होगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा। वन सेकेंड, मेरे पास शायद इसके लिए आपके पास कुछ मिल जाए, मेरे पास शायद इसके लिए अवेलेबल हो। चलिए अभी तो मेरे को नहीं मिल रहा, कट ऑफ वगैरह मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस कर लूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम जो मेन वर्क कर रहे हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के ऊपर कर रहे हैं, रैंकिंग सिस्टम मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है, ओके फाइन। सो आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन रहते हैं। अगर आप बायोलॉजी वाले कोर्सेज के अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके पास डिप्लोमा आप उसके अंदर करते हैं, तो उसके अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी आप लोगों की क्लास 12th होनी चाहिए। बाकी जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं आप 10th बेस्ड पे कर सकते हैं, आफ्टर 10th भी कर सकते हैं, आप 12th कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है इसके अंदर। बाकी जो यूजी कोर्सेज हैं उनका एडमिशन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेशन 2021 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला जो है कि आप लोगों का जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके हिसाब से यहाँ पे एडमिशन होगा। कुछ भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका
मेरिट ले लेंगे क्लास ट्वेल्थ की, उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था 2021 के अंदर। लेकिन इस साल देखो टर्म वन चला गया आप लोगों का, टर्म टू की कोई श्योरिटी नहीं है और सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं घर पे बैठ के, तो बेटर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता इस तरीके से। कोई भी स्टूडेंट अभी आज की डेट में बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए कि भाई मैं अपने अकेडमिक्स ठीक से पढ़ पाऊँ, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा है। और कॉलेज एडमिशन की जो स्टडी है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर CBSE स्टडीज़। तो यहाँ पे आपके लिए जो बेटर कोर्स है उसके अंदर एनरोलमेंट लेने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आपके पास जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं यहाँ पे टोटली एडमिशन जो है जेई मेंस के बेसिस पे जैक की काउंसलिंग के थ्रू, जो आपकी काउंसलिंग होती है ना बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके एडमिशन जो प्रोसेस है सीधा जेई मेंस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। अब यहाँ पे जो DSU हैज़ डिजाइन द प्रोप्राइटी पर्सनैलिटी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट PEG टेस्ट आप लोगों का एक इन्होंने बनाया था पिछले साल, उसका स्कोर भी यहाँ पे कंसिडर करा गया था आपके फाइनल रैंकिंग के अंदर। अब मेरे से पूछा गया कि भाई अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर रैंकिंग सिस्टम मेरे को समझा दीजिए, तो वो आ जाएगा आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होता है आशीष सिंह की, अगर घर पे बैठे बैठे एग्जाम होता है तो चीटिंग नहीं होती है क्या? भाई देखो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, अब आपको लोगों को एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराना है, पेंडेमिक भी चल रहा है, घर से बाहर भी नहीं बुला सकते, तो देर इज़ नो ऑप्शन कि प्रोक्टर्ड एग्जाम कराया जाए, ठीक है। सो ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में कैसे हुआ कि आपकी जो मेरिट बनी क्लास ट्वेल्थ की, ठीक है, या फिर आपने डिप्लोमा में अप्लाई करा और आपका स्कोर आया क्लास ट्वेल्थ सॉरी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर CET के अंदर, तो यहाँ पे अगर आपने मेरिट बेस अप्लाई करा है तो यहाँ पे इन्होंने ECA एक्टिविटी प्लस PEG टेस्ट भी लिया था, उनका कहीं ना कहीं कंसिडरेशन करा होगा, तो एक फाइनल स्कोर आप लोगों का बन के आया जिसको इन्होंने रैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एक रैंक के अपनी लिस्ट बन जाती है। डिप्लोमा के अंदर जो आपका डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर आया है उसके अंदर भी उन्होंने रैंक के अंदर कन्वर्जन कर दिया। अब जब आपका रैंक आ गया है तो रैंक के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 आपने लेट सपोज एक कोर्स के अंदर अप्लाई करा है जिसका नाम है BBA, आपने BCA में भी अप्लाई कर दिया है, आपने BA इन स्पेनिश अप्लाई कर दिया है, आपकी एक चॉइस प्रेफरेंस की शीट आपसे मांग ली गई। अब रैंक वन वाले स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा, सेकंड वाले को यहाँ मिल जाएगा। जैसे इनकी सीट्स 30 फुल हो गई तो थर्ड जो स्टूडेंट आएगा, जो नेक्स्ट 31st स्टूडेंट आएगा, उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा सीधा उसकी नेक्स्ट चॉइस के अंदर। तो इस हिसाब से आपकी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर चलता है। अब इट कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो स्कोर आप देख रहे हो डिप्लोमा के CET बेस्ड में जो स्कोर देख रहे हो वही हो सकता है कि क्लास ट्वेल्थ वाला भी इस बार एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर है उसके बेसिस पे सेम लाइक IP यूनिवर्सिटी इट कैन बी डन। बट मेरी ऐसी ओपिनियन है, मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ भाई, अभी सभी को बोल रहा हूँ एंट्रेंस नहीं है, पिछले साल के हिसाब से मेरिट पे हुआ था, इस साल का जो एडमिशन प्रोसेस आएगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, फाइन। आप लोगों को इस हिसाब से मेरे ख्याल से समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूँ। डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके अंदर एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि 99% सबके पास हो गई होगा। अगर आप फार्मेसी कोर्स के अंदर डिप्लोमा करना चाह रहे तो यहाँ पे आपके पास PCB या फिर PCM एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और क्लास 12th के अंदर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10th लेवल वाला बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता। इसके बाद डिप्लोमा कोर्स पार्ट टाइम 3 आपके पास यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो भी वही है, क्लास 10th के आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है और ITI 2 years का है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, फाइन। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एलिजिबिलिटी क्या थी। BA एस्थेटिक्स के लिए यहाँ पे 55% मिनिमम BA स्पेनिश के लिए, 60% इन मैथमेटिक्स क्लास 10th। अब यहाँ पे देख लो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे पास क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स नहीं थी तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, ना कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स है। सेम आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है, 55% है। दूसरा आपके पास BCA कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो BCA डेटा एनालिटिक्स है, यहाँ पे भी आपसे 10+2 के अंदर मैथमेटिक्स मांगी गई है, ठीक है। अब BSc नाम है लेकिन यहाँ पे साइंस स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान रखना
यहाँ पे साइंस स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है, आपके पास मैथमेटिक्स है आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों के पास बीसीए के लिए भी यहाँ पे 55% मार्क्स हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर, यहाँ पे भी कोई भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास मैथ्स नहीं थी, क्या मैं बीबीए कर सकता हूँ, मैं बीसीए कर सकता हूँ, येस ऑफकोर्स यू कैन डू, और बीकॉम भी आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है बैंकिंग की, फाइनेंशियल की, वहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना जरूरी है और बीएससी एंड डेटा एनालिटिक्स का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना जरूरी है। फाइनेंस के अंदर भी आपके पास क्लास टेंथ के लेवल पर मैथमेटिक्स मांगी गई है, ठीक है। सो ये है इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, और आप लोगों को आई गेस समझ में आ गया होगा। बीटेक के लिए कुछ डिफरेंट है, 60% होनी चाहिए आपकी एग्रीगेट और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड हैज पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट स्टडी एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। एमसीए के अंदर एडमिशन लिए जा रहे हैं निमसेट के बेसिस पे, और एमटेक के अंदर जो एडमिशन हो रहे हैं वो गेट के स्कोर के बेसिस पे हो रहे हैं जो आपका कराया जाता है, ठीक है। आयुष जय सिंह की सर 10+2 का मतलब 10th एंड 12th या सिर्फ 12th? देखो 10+2 का मतलब होता है 12th, ठीक है। ये देखो 10+2 को आप 12th ही पढ़ो भाई, ये जो आप पढ़ रहे हो ना 10+2 का मतलब क्या होता है, 12th होता है। ये नहीं कि 10th भी चल जाएगा और 12th भी चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 10+2 मींस 12th, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया ना भाई मैथमेटिक्स इन क्लास 10th। सर बीबीए कौन सी स्पेशलाइजेशन से अच्छा है? भाई इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले बीबीए की स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करी थी, आई होप आप लोगों ने वो सुना होगा अच्छी तरीके से। और स्पेशलाइजेशन टोटली आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आयुष झा इज आस्किंग कि सर डीएसयू से बीबीए वर्थ इट इज और नॉट? भाई ये हम डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर दिस सेशन। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर यहाँ पे 15,000 पर ईयर की फी स्ट्रक्चर है, सेकंड ईयर के अंदर 16,000 एंड थर्ड ईयर के अंदर 18,000 का फी स्ट्रक्चर है। तो ऑलमोस्ट सभी जितने भी कोर्सेज है डिप्लोमा के अंदर सबके अंदर फर्स्ट ईयर की फीस 15,000 है। अगेन अब हम मूव करने जा रहे हैं पार्ट टाइम वाले कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फीस है, सेकंड ईयर की फीस है 22,000, थर्ड ईयर की है 24,000 डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं सबकी फीस जो है मोस्टली 40,000 to 50,000 के बीच में लाइक करती है। अब डिपेंड करता है कोर्स के फैसिलिटीज़ के ऊपर भी, और कितना प्रोफेशनल कोर्स है उस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बीकॉम के लिए यहाँ पे 30,000 फर्स्ट ईयर की फीस रखी है, 33,000 सेकंड ईयर, 36 थर्ड ईयर की फीस है, और बीएमएस के लिए 50,000, 55,000, 60,000। तो एक तरीके से अगर आप कंपेयर करते हो दिल्ली के अदर कॉलेजेस से, ठीक है, अदर कॉलेजेस जैसे कि आईपीयू से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे 1 lakh आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कॉलेज की फीस रहती है हर एक की, 70,000 से स्टार्ट होता है। डीयू के अंदर आपके पास 26K से स्टार्ट होता है बीएमएस करने के लिए जो ऑप्शंस आते हैं, बट वहाँ पे आप लोगों के पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। कंपटीशन यहाँ पे भी टफ है, यहाँ पे भी 600 वहाँ पे जो है सीट्स आपके पास डीयू के अंदर 600 है, डीएसयू के अंदर भी लगभग आपके पास जो मैनेजमेंट कोर्सेज की फीस सीट्स हैं वो 300 to 400 के आसपास ही है। कॉम्पिटिशन दोनों जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो फी स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से भाई ऑन एवरेज ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। और आशीष ने पूछा कि सर अगर इस साल भी मेरिट से हुआ तो बीसीए इन द्वारका कैंपस में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए? भाई इसके लिए हम आयुष अलग से बात करेंगे। आशीष मेरे पास प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह पड़ी है और देर इज़ नो वे टू कैलकुलेट योर रैंक ऑन बेसिस ऑफ योर परसेंटेज, ये इनका खुद का कैलकुलेशन है, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है, इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बीटेक के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है हाई है, 1,50,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 1,65,000 फॉर सेकंड ईयर, 1,81,000 इन थर्ड ईयर, और डायरेक्टली 2 lakh इन योर फोर्थ ईयर। तो भाई मेरे हिसाब से जो बीटेक की फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ ज़्यादा ही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अगर एक सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ये डीएसयू के अंडर में ही आ रहा है तो मेरे हिसाब से इनकी जो फीस है ये भी अराउंड 70,000 to 80,000 के बीच में होनी चाहिए थी। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर चैट सेक्शन में लिखे, मैं पढ़ रहा हूँ भाई आपकी बातें, ठीक है। एमसी की जो फीस है 1,44,000 है, सेकंड ईयर की 144 है,
एम टेक की जो फीस है 125 and 144,000 पर एनम के हिसाब से यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है। सो वी हैव कवर्ड नाउ फी स्ट्रक्चर। अब हम आगे की तरफ मूव करने जा रहे हैं, रिजर्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। रिजर्वेशन क्या होता है कि 85% इज फॉर दिल्ली कैंडिडेट। जो स्टूडेंट दिल्ली कैंडिडेट हैं, जिनका डोमिसाइल दिल्ली से है, जिनकी क्लास 12th की मार्कशीट के अंदर जो स्कूल का एड्रेस है वो कहाँ से है, दिल्ली का है, तो वो बच्चा 85% की रिजर्वेशन में आ जाता है। जिस बच्चे की मार्कशीट आउटसाइड दिल्ली की है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गुड़गांव हो, गुरुग्राम हो, आप लोग 15% की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस बात को आप प्लीज़ नोट कर लेना। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ यहाँ पे दिल्ली ने अपनी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बनाई है, लाइकवाइज आईपी यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आप लोगों के पास रिजर्वेशन यहाँ पे रहती है, तो आप लोगों को इसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना होगा। नाउ वी विल कम टू द डिस्कशन। डिस्कशन पार्ट में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। पहली पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, चेंजेस इन कोर्स और सीट्स। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, मेरे को पता है। इट कैन बी पॉसिबल कि हो सकता है कि कोर्सेज के अंदर भी चेंजेस हों, सीट्स के अंदर भी चेंजेस हों, नंबर ऑफ सीट्स कैन बी इंक्रीमेंटेड, और हो सकता है कि नए एफिलेशंस आए, ऐसा चेंजेस मेरे को हो सकता है कि लग रहा है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरा, एडमिशन प्रोसेस के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ, ध्यान से कान लगा के सुनना इस बात को। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है एडमिशन प्रोसेस की डेट्स को लेके, लेकिन यहाँ पे पिछले साल मेरिट पे हुआ है, इस साल एंट्रेंस हो सकता है फॉर यूजी कोर्सेज। अगर नहीं हुआ तो ये प्रोसेस एज इट इज़ आप लोगों का रहेगा, आपके परसेंटेज के बेसिस पे आप लोगों को एक रैंक बना के दे दिया जाएगा, और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आपने कहीं सिंगिंग डांसिंग वांसिंग कोई करा होगा, उसके बेसिस पे आप लोगों के मार्क्स जो है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया चेंजेस के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाउट्स के ऊपर, ठीक है। सो करमवीर गोलू सिंह की चिल गाइज अभी नहीं होंगे स्टार्ट। भाई चिल आप करो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एडमिशन स्टार्ट नहीं होंगे, एनी टाइम कैन बी, इट कैन बी पॉसिबल कि कभी भी आप लोगों के पास अनाउंसमेंट आ सकती है एडमिशन प्रोसेस को लेके, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी लेके आ सकती है, आईपी यूनिवर्सिटी का भी लेके आ सकती है, क्योंकि टर्म टू इस बार कोई भी मायने नहीं रखता, ठीक है। टर्म टू आप लोगों की जो है सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे ही देखा जाएगा, मतलब टर्म टू क्या फाइनल परसेंटेज आप लोगों की मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अब चिल करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी अवेयर कि कहाँ कहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई थोड़ा सा सेशन लेट होगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। सर DSU में BCA का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा क्यों? भाई मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि होना चाहिए। DSU में से BBA वर्थ इट और नॉट, आयुष झा ने पूछा था मेरे से। ओके करमवीर गोली, आई एम एट DSU सर। ठीक है भाई, फिर तो ठीक है, आपको तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, जैसे कि अभी करमवीर गोलू ने बोला, भाई देखो अभी ना सेशन उनका ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर का चल रहा है, अभी जो DSU में स्टूडेंट हैं अभी उनसे ही फ्री हुए हैं, अभी नई नई वैकेंसीज चल रही हैं वहाँ पे, नए नए प्रोफेसर्स को अलॉट करा जा रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के अंदर डिले हो जाए, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने में कोई भी टाइम नहीं लगता यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। आयुष झा इस सिंह की सर DSU BBA बताओ। BBA मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कवर करा था, आप ये देख सकते हैं, मैंने पूरा इसको रख के समझाया है अच्छी तरीके से, आपके एक डाउट्स क्लियर कर रहे हैं मैंने, आपके पास कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। BBA के बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट रिटेल मैनेजमेंट ये सभी हैं। और हमारे साथ भाई कमवीर नाम के स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी DSU में, आपके जो डाउट्स आप इनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एज टू नॉलेज अड्डा सिंह की सर DSU में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं फॉर साइंस स्ट्रीम। भाई साइंस स्ट्रीम के लिए मेरे हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन है ये सभी साइंस स्टूडेंट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और साइंस स्ट्रीम के लिए यहाँ पे BTech का कोर्स आपके पास है, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज आप साइंस स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आप इन कोर्सेज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc इन डेटा एनालिसिस एंड BA डिजिटल मीडिया एंड साइंस।
सर वर्थ इट वाली बात, ठीक है सर वर्थ इट वाली बात, भाई मैं वही बता रहा हूँ, वर्थ करना मेरे हिसाब से भाई वर्थ करेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर नई है, ठीक है, खुली है, और उनका जो मेन फोकस्ड है वो आज की रिक्वायरमेंट पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से जो उनका करिकुलम अगर आप रीड करोगे, गो थ्रू करोगे, तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं भाई, सब कुछ अप टू डेट है, सिलेबस और जो करिकुलम इन लोगों का है बिल्कुल अप टू डेट है। आपके अंदर स्किल जितनी डेवलप करने की ऊपर कोशिश करी जा रही है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरीज कंप्लीट करवाने के ऊपर, उससे बेटर ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जगह से अगर आप देखोगे करिकुलम बिल्कुल अप टू डेट है, प्लस जो प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, वो आफ्टर 3 ईयर्स ही आप लोगों को रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं प्लेसमेंट को लेकर नहीं बोल सकता कुछ भी, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरी मैंने जितना भी कुछ अभी तक रिसर्च करा है यूनिवर्सिटी के बारे में, बिल्कुल वर्थ इट करता है। मैं ये नहीं बोलता भाई, देखो बीटेक का मैं भी कुछ नहीं कह सकता, सीरियसली बोलूँ बीटेक का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने बाकी कोर्सेज देखे हैं, स्पेशलाइजेशंस देखी हैं, ये आपको हर जगह करने को नहीं मिलेंगी। एडमिशन प्रोसेस आईपी यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। DSU में कोई कोर्स है जो BSc जूलॉजी के बाद किया जा सकता है? मैं BSc जूलॉजी किया है। नहीं भाई, नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। एडमिशन प्रोसेस क्या है सर? एडमिशन प्रोसेस हरजोत मैंने अभी जस्ट डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, सो मैं अभी इस लाइव को एंड कर रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना, मैं इसके अंदर टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा अपने इस सेशन के अंदर, सो यू विल गेट मोर कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरा मेन पर्पस ये था यहाँ पे बताने का आप लोगों को कि भाई आप लोग अवेयर रहो, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नई नई यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ लेके आता रहता हूँ। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर मैंने कोर्सेज के बारे में आपके साथ डिस्कशन करा कुछ प्रीवियस वीडियोस में, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। हमारा जो कंटेंट होता है बीइंग यूट्यूबर, मैं आपको बताऊं तो भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है पीक पे जाना, क्योंकि अभी आप लोग जो सर्च करोगे वही चीज़ सर्च करने के बाद हमारा रिजल्ट आपको दिखेगा, हम ट्रेंड नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल मैं आपके लिए जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी वो सारी चीज़ें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर वो काम आएंगी, ठीक है। आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए भाई यहाँ पे 15% रिजर्वेशन है, और प्लस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर ही लेना, वहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रहता। भाई देखो अभी जो है सब कुछ ऑनलाइन ही रहने वाला है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ो, इवन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ो तो भाई वहाँ पे तो हड़तालें वगैरह चल रही हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं परेशान है थोड़े, वहाँ पे भी आप देखोगे ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, और ऑनलाइन के चक्कर में स्टूडेंट्स को वो चीज़ नहीं मिल रही जो चीज़ मिलनी चाहिए हैं। आप कहीं पर भी पढ़ो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो फिलहाल ठीक ही है ये सारी चीज़ें। BCA के लिए बेस्ट है सर, वेरी लो फीस इज़ वेरी लो। हाँ भाई बिल्कुल बेस्ट है, आप दिल्ली के अंदर कंपेयर कर लो किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, इससे कम फीस स्ट्रक्चर आपको BCA के लिए नहीं मिलेगा। फॉर्म्स अभी आउट नहीं हुए हैं, फॉर्म्स अभी आउट नहीं हुए, जैसे ही आउट होंगे मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, चैनल के साथ तो आप लोग जुड़े ही हुए हो, जैसे ही फॉर्म्स आउट होंगे मैं आप लोगों के साथ पूरा इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन बना दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, आप पोस्टपोन भी हो सकता है भाई, पोस्टपोन वगैरह कुछ नहीं होगा, एडमिशन वगैरह कभी नहीं रुकते, ठीक है। सेशन कभी नहीं रख सकता, 1 साल का सेशन रुक जाना मतलब आप पता रहे कितने पीछे चले जाओगे। एक ड्रॉपर स्टूडेंट से पूछो उसको कैसा फील होता है घर पे बैठ के 1 साल, तो वैसे ही आप लोगों के साथ सिचुएशन भी हो सकती है ना। तो पोस्टपोन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, देर इज ऑलवेज अ ऑल्टरनेटिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, DSU ने पिछले साल भी एडमिशन करवाए थे अपने, सब मेरिट बेस्ड ले लिए थे, UG कोर्सेज के लिए प्रोक्टर्ड होम बेस्ड एग्जाम्स करवा दिए थे, तो सेम थिंग कैन बी हैपन हियर, इस साल भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि एंट्रेंस भी हो जाए, हो सकता है कि मेरिट बेस भी एडमिशन हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस सेशन के अंदर। आप कि जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करूंगा आप लोगों से, और कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई वो भी ज़रूर आप मेंशन कर देना। इस वीडियो के अंदर मैं टाइम स्टैम्प्स डाल रहा हूँ, बाद में आके अगर आप इसको देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। टेक बीच इज सेइंग आई एम टेकिंग ह्यूज नॉलेज फ्रॉम यू सर, थैंक्स सर फॉर इन्फॉर्मेशन, यूर ऑल आर मोस्ट वेलकम। और मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि
किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में हो, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आपको कभी भी ऐसा नेगेटिव फील नहीं होगा कि यार मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, क्या पता मेरा ना हुआ तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास और क्या ऑप्शन है। आपके पास मैं इतने ऑप्शंस लेके आऊँगा, आपकी नोटबुक भर जाएगी कि भाई इस जगह पे मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा यहाँ पे तो पक्का एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चिल करो सारे के सारे। आप लोगों के लिए एक से क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ UPSET के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ BBA इंटीग्रेटेड MCA इंटीग्रेटेड MBA, तो इनके लिए भी मैं आप लोगों के लिए आज इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, ज़रूर देखना उस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।